हेलो सो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है यार आपका फिर एक नई वीडियो में। तो हम फिर से लेके आ गए हैं GTA 5 मिशन सीरीज। सो गाइस, आज हम फिर इस वीडियो में जो है मिशन करने वाले हैं। तो तुम्हें बता देता हूँ हमने पिछला मिशन कौन सा किया था। सो गाइस, हमने पिछला मिशन किया था जिसमें हमें मिस्टर रिचर्ड करके मिशन का जो है नाम था, जिसमें हमें एक बंदे के लिए जो है उसका थोड़ा सा कुछ काम करना था, क्योंकि वो बंदा एक फिल्म मेकर था और उस बंदे को थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी फिल्म बनाने में, क्योंकि एक बंदा जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल नहीं कर रहा था और वो बस थोड़ा सा उसको डराना चाहता था जिससे कि वो जो है उस चीज के लिए मान जाए। तो सो उसने जो है हमको इस चीज के लिए हायर किया, माइकल को जो है उस चीज के लिए हायर किया, जो कि माइकल ने उसको हेलीकॉप्टर में बहुत बुरी तरीके से डराया जिससे वो बंदा जो है मान गया उस अप्रूवल के लिए। और उसके बाद जो उस बंदे का काम हो गया और उसके बाद माइकल जो है बहुत तगड़ा वाला जो खुश हो गया था। तो वो मिशन हो गया था कंप्लीट। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट मिशन। तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज कर ले, पता नहीं वापस नीचे क्यों आ गया। तो अब हम जल्दी चलते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे, क्योंकि देख सकती है बड़ा बुरा सा जो है लग रहा है इस कपड़ों में, और मतलब बेकार से कपड़े हैं, है ना। तो यार यहाँ पे इसका ये रहा इसका वार्डरोब, इसी में हम थोड़ा सा कपड़े वपड़े देख लेंगे। अभी देखते हैं कौन कौन से सूट वगैरह इसके पास है, मतलब इसके पास बिजनेसमैन वाले तगड़े सूट है, बट हम लोग कोई बिजनेसमैन वाले नहीं जा रहे कहीं, मतलब तो हम उसमें तो यार नहीं जाएंगे, है ना। तो इसकी इसमें तो कुछ भी नहीं है। और ग्लासेस जैकेट्स में देखते हैं जैकेट्स के पास पर क्या क्या, यार दोनों बुड्ढो वाली बेकार बेकार जो जैकेट है इसमें। मास्क पे इसने हमने पिछले मिशन में मास्क यूज करा था, वही वाला ये मास्क है। और इसके पास कुछ जीन्स की पैंट है जो कि मुझे नहीं पसंद नहीं आई, और इसके पास पोलो की कुछ शर्ट्स है और अपर टी शर्ट्स वगैरह देखते हैं। यार ये थोड़ा सा मच बेटर है आई थिंक, और सिर्फ अंदर की जो है शर्ट चेंज हो रही है, बाकी तो बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं इसको जो है व्हाइट पहनाना चाहूंगा, अंदर थोड़ा सा डिसेंट लगेगा व्हाइट में, थोड़ा ब्लैक थोड़ा सा छपरी टाइप लगता है। तो फिर अभी तुम ये देख सकते हो, ये शॉर्ट्स शॉर्ट शॉर्ट्स कौन पहनता है भाई इसके नीचे, तो भाई टॉप्स है शॉर्ट्स है, मुझे थोड़ी सी पैंट्स चाहिए। तो अपने पास सिर्फ दो ही पैंट्स है यार इसके पास, यही है सिर्फ, तो यही पहन ला लेते हैं। तो शूज़ में देखते हैं शूज़ में अपने पास क्या क्या है। तो यार इसके बाद मेरे ख्याल से शूज़ का ऑप्शन नहीं है इसके पास, चलो उसके बाद नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हमें चेंज करने होंगे तो हम जो है बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मिशन पर। तो पहले चलेंगे अपनी गाड़ी के पास जो अपनी बाहर, तो जल्दी चलते हैं पहले वहाँ पे। सो हम आ चुके हैं बाहर, और यहाँ पे मेरी जो है कि ब्लू कलर की गाड़ी है जिसका जो ये मेरे ख्याल से पोस्टर है मेरे ख्याल से, तो मुझे तो यही लगता है। तो अभी इसको ले लेंगे क्योंकि ये थोड़ी हमारी नई नई है और तगड़ी सी लग रही है ना, एकदम कलर बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई ब्लू कलर, देखो एकदम बिल्कुल शाइन कर रहा है तगड़ी तरीके से। तो अभी पहले करते हैं मैप चेक, अपने पास कौन कौन से मिशन अवेलेबल है। सो गाइज, अभी तुम देख सकते हो ये डी करके कोई मिशन आ रहा है जिसका नाम है डिवाइन, और ये वाला डिवाइन नहीं है भाई, रैपर वाला डिवाइन नहीं है ये। तो यहाँ पे ये जो मिशन आ रहा है यहाँ चलेंगे आज, ये वाला मिशन करने ही करेंगे। तो जल्दी चलते हैं फिर देखते हैं कि मिशन कैसा होने वाला है। पहले यहाँ से जल्दी बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी को जो हो सके नॉर्मल से चलाएंगे, मतलब ठोकेंगे ठाकेंगे ये नहीं ज़्यादा, क्योंकि भाई थोड़ी अच्छी सी लग रही है और मैं ठोकना नहीं चाह रहा इसे अभी। अच्छा यहाँ पे सब तगड़ी तगड़ी गाड़ी अभी खड़ी है, उस भैंस की पूँछ गधे की बच्ची भाई, सोचा था नहीं ठोकूंगा पर ठोक गए, चलो छोड़ो अब तो उसको कबाड़ा करके ही निकलेंगे, मतलब आप कंधे तरीके चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी पहले पहुंचते हैं। अबे यार भाई ढलान है, ब्रेक नहीं लगी, ड्रिफ्ट लग रही है इससे। तो जल्दी पहले पहुंचते हैं भाई मिशन पे डिवाइन के पास, उसके बाद देखते हैं मिशन क्या होने वाला है। सो गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और देख सकते हो यहाँ वो लोकेशन है, बड़ी अजीब सी जगह है, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स है और यहाँ पे जो अभी भी काम चल रहा है, और ये वो सामने वाली मेरे ख्याल से वहाँ जाना है, मैं तो शॉर्टकट ले रहे हैं हम लोग, साइड से निकल रहे हैं। ओ भाई अपने देखो एक टायर हवा में है, कहीं से भी निकाल लिया हम लोगों ने। तो हमको जाना है सामने, और देख सकते हो ये रहा वो डे। ओ भाई यहाँ पे तो सबके सब है, यहाँ पे ट्रेवर है, फ्रैंकलिन भी है, और ये भी है, यही बंदा है डिवाइंस डिवाइन जो भी नाम है इसका, और ये बंदी कुछ नहीं है, इसको पहली बार देखा है मैंने। तो ये देख सकते हो माइकल भी अभी आ चुका है, और अभी तगड़ी वाली मीटिंग चलने वाली है इनकी। ओ भाई हमें कॉप वाला ड्रेसअप करना है, इसको देखो अबे ये बैठा कैसे, ये बड़ा अजीब बंदा है भाई साहब। I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are okay. you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. ओके तो भाई ये बंदा अपनी जगह में चला गया, और मुझे गेट इन द कार, तो मुझे जो है कार में बैठना पड़ेगा अभी।
तो वो देख सकते हो माइकल की कार जो है वहाँ खड़ी है अपने जो भी लेके आए थे जिसको। अभी गैस स्टेशन, गो टू द गैस स्टेशन, तुमको जाना अभी इसको लेके गैस स्टेशन। बड़ी तगड़ी गाड़ी है यार, आवाज़ बहुत अच्छी कर रही है गाड़ी। तो वो हमको मुझे मस्त वाली अपनी गाड़ी जो मिल चुकी है, और जल्दी चलते हैं गैस स्टेशन में, फिर देखते हैं गैस स्टेशन में हमें करना क्या है अभी। तो जल्दी चलते हैं फिर। तो गाइस मैंने अब जाके रियलाइज़ किया कि गैस स्टेशन जो है बहुत ज़्यादा ही दूर है, तो हमको बहुत ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है पहुँचने में। तो अभी जो हमने जो माइकल को अभी कॉल किया, अभी आई डोंट नो हमने माइकल को कॉल क्यों किया है, बट अभी देखते हैं। ओह शिट, मैं ज़्यादा गैप से निकालने चाह रहा था। ओके सो गाइस पहले तो जल्दी हम पहुंचते हैं फिर देखते हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ये गैस स्टेशन पे, और ये वो ये वाला जो है गैस स्टेशन है, पता नहीं इतनी दूर वाला गैस स्टेशन क्यों दिया। और यहाँ पे देख सकते हो यार क्या तगड़ी वाली जो है कार है, दो बड़ी मस्त सी कार है। ओह लगता है इनसे रेस के लिए इसको वो कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं आई थिंक। ओके क्योंकि यार तगड़ी तगड़ी कार है यार, दो बंदे के पास रेस द कार। ओके तो हमें रेस करनी है सच में ही। अबे भाई इनके पास तो बहुत तेज भागने वाली गाड़ी है, और अपनी तो ऐसी तैसी हो रही है टक्कर खा के। तो इनसे जीतना है क्या हमें अभी? आई डोंट नो में से जीतना है क्या करना है, शायद हम इसको फंसा रहे हैं या फिर अभी पता नहीं। तो जल्दी से पहले से इनसे जो रेस करते हैं, उनसे जो बस जीतना है मुझे कैसे भी करके। देखते कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं ये लोग बंदे। और अभी भाई चला तो बड़ी तगड़ी रहे हैं देख सकते हो तुम लोग, मतलब मस्त वाली जो चला रहे हैं ये। ओहो क्या बात है भाई, दोनों देख के तगड़ी गाड़ी चला रहे हैं, रेसर तो है भाई दोनों। हमने इनको जान मुझ के जो उकसा के जो इनको चैलेंज दिया अभी, जिस वजह से हमसे रेस कर सके, और थोड़ी गाली वाली देखी किया बट हाँ तभी थोड़ा सा उकसे। अभी देख सकते हो यार मतलब उनकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मैं इनको चेज़ भी नहीं कर पा रहा जबकि मैं अपनी फुल स्पीड पे हूँ। और अभी देखते हैं यार मैं इनसे आगे निकल पाता हूँ या फिर नहीं निकल पाता। ओ भाई ये बंदा फुल जो है एकदम कटवट मार के जा रहा है सामने वाला, मतलब बहुत तगड़ी गाड़ी चला रहा है वो। ओहो खतरनाक ही चला रहा है भाई साहब वो। कोई बात नहीं भाई हम भी कम नहीं है। ओ भाई फुल इसमें से जानवर वगैरह सब आ रहे हैं बीच बीच में, अभी एक आधा मर जाएगा तो अपनी डिसबैलेंस हो जाएगी गाड़ी। ओ भाई तगड़ी चला रहा है वो। चल तेरी तो। ओ भाई एक को तो हमने जो है पीछे छोड़ दिया, और वो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पीछे छूट चुका है अभी तो, बट उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो जब भी जो है आगे आ सकता है। अभी तुम देख सकते हो यार बहुत तगड़ी तरीके से वो सामने वाली गाड़ी चला रहा है, अभी इसको जो है पीछे छोड़ना पड़ेगा अभी तो देखते हैं मैं इस तरफ से निकलूंगा। तो हमने जो है माइकल को कॉल कर दिया, और अपनी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई अभी, आई डोंट नो क्यों डिसबैलेंस हो गई। ओहो तो हम लोग जो है नकली कॉप्स बने हैं, और अभी जो है हम लोग इनके फास्ट ड्राइविंग के चक्कर में शायद इनको पकड़ने वाले हैं, कि देख सकते हो इनने बहुत तेज जो है अपनी फास्ट ड्राइविंग की है। और अब जो है हमारा काम है, पुलिस है तो भाई पुलिस तो रोकती है ना फास्ट ड्राइवर्स को, तो हम लोग जो है इनको रोकने वाले हैं अभी। ओ भाई साहब तो यार ये प्लानिंग थी, हमने जानबूझ के जो इनको उकसाया जैसे कि ये फास्ट ड्राइविंग करे, और जिस वजह से जो है हम लोग इन्हें पकड़ ले। ओके तो यार ये ड्राइवर उस लेफ्ट वाली साइड पर चला गया, वो लेफ्ट वाले बंदे को रोकेगा और मुझे राइट वाले बंदे को जो है रोकना है। तो अभी तुम देख सकते हो भाई आगे ये ब्लू डॉट वाले दो क्यों आ रहे हैं, बट ये तो सिर्फ दो ही बंदे हैं ना देख सकते हो। एक तो वाला भाई तेज़ी में जा रहा है जो भी है, बहुत तेज़ जा रहा है। ओके तो भाई लग रहा है क्लोज, तो उसके पास जो है हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वो शायद उनको सायरन सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि उन्हें रोकना है अभी। तो पहले तो जल्दी उनके पास चलते हैं फिर देखते हैं उनको कैसे रोकना है। यार ड्राइवर देख सकते हो तो तगड़ी वाली बाइक चला रहा है, इसकी पता नहीं इतनी तेज़ कैसे भाग रही है यार, अपनी तो नहीं भाग रही इतनी तेज़। अब मुझ मैं इसमें क्या करूँ, अब मैंने फुल थ्रोटल दे रखा है बट फिर भी जो है ऐसी चल रही है। कोई बात नहीं पकड़ लेंगे, टाइम लगेगा पर पकड़ लेंगे। तो गाइस देख सकते हो हम लोग जो है ऑलमोस्ट उनके पास तक पहुंच चुके हैं, और ये भाई गाड़ी वाड़ी फुल सामने से जो आ रही है कटफट मार के निकलना पड़ रहा है, और बस पहुंचने वाले देख सकते हो सामने ही वो बंदे हैं। हम लोग जो है अच्छा खासा पास उनके पहुंच चुके हैं अभी। तेरी तो बताता तुझे पुलिस वाले से भगोगे तुम लोग, रुक जाओ अभी, हम वैसे नकली पुलिस वाले बने हैं अभी इसमें।
यार ये बंदे मतलब भाई रुक ही नहीं रहे हैं भाई, पुलिस के बोलने पे भी नहीं रुक रहे, और हमको लग रहा है ना पूरा चेस करना पड़ेगा। तो देख सकते हो यार अपने साथ ये फ्रैंकलिन रेड वाली कार जो है वो फ्रैंकलिन की है, और अभी जो है हमें रोकना पड़ेगा इनको। और यार ये बहुत ही ज़्यादा जो है तेज़ भाग रहे हैं, मतलब कहीं ठुक भी नहीं रहे हैं कि ठुके तो हम रुक जाए, ये लोग भाई भगते ही जा रहे हैं, भगते ही जा रहे हैं। सो यार इन लोगों ने जो है अभी गाड़ी अपनी रोक ली है कि इनको पता चल गया होगा कि पुलिस वाले हमारे पीछे आ रहे हैं, और हम लोग बार बार माइक्रोफोन में जो है बोल रहे थे कि गाड़ी स्टॉप करो, गाड़ी स्टॉप करो अपनी। ओके तो यार फ्रैंकलिन तो यार अपना ही बंदा है, इसको तो बस ये बंदे हैं जो है अमीर घर के, और इनकी हम लोग लगाना चाहते हैं रेड। ओके अच्छा ये लिमिट में थे ये बोल रहा है। कौन तो भाई ये देखो ये बंदा कह रहा है हम लोग लिमिट में ही तो थे। अच्छा ओ भाई ये बंदा अपना जो है वो सब दिखा क्या कर रहा है ओ भाई माइकल को ज्यादा गुस्से में, अबे गाड़ी ले ली, ओ हमको उसकी गाड़ी लेके जो है भागना है। ओ ड्राइव टू द गैराज, तो हमको उसको सीधा गैराज लेके आना है। ओ भाई तगड़ी वाली जो हमने प्लानिंग करके इनकी गाड़ी जो है ले ली है, और मतलब भाई तगड़ी वाली गाड़ी है, देख सकते हो भाई तगड़ी भाग रही है बिल्कुल तगड़ी तरीके से, मस्त मस्त सी दो कार है अपने पास अभी। और इसको शायद हमें डेविन्स पे वाले बंदे को जो है देनी है, शायद यही उसको चाहिए थी, फिर पता नहीं इसने चोरी करवाई क्योंकि उसके पास अच्छा खासा पैसा है, बट आई डोंट नो क्या मतलब है इसका। ओके तो हमने उस लेडी को जो है कॉल किया है जिसकी अभी तक फोटो में शो नहीं हो रही, बट हमने उसको कॉल किया है कि अपना तुम्हारा काम हो चुका है और गाड़ी हमारे हाथ लग चुकी है। ओके 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 तो यार ये बंदे हमको जो वहीं पे मिलेंगे, और हम वहीं पे जाके इसको जो है गाड़ी को वहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमको जो गाड़ी मिल चुकी है तो जल्दी जाके देके आते हैं फिर। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमने जो है अपनी गाड़ी को जो सबमिट करना है, और देख सकते हो यहाँ पे वो जगह है, मतलब तगड़ी सी जो जगह है, अपने जो है एक दो बारी अपनी गाड़ी ठोक दी, बट जो भाई गाड़ी भागने में एकदम तगड़ी थी, बहुत मस्त सी गाड़ी है। और देख सकते हो भाई अपना जो है मिशन हो चुका है, दोनों बंदे यहीं पर ही है, और ये कोई मैकेनिक है दो बंदे, और ये शायद जो है उसके कुछ सीन करने वाले है उसका। ओए, ओए, ओके तो यार ये बंदे मैकेनिक दोनों कार लेके चले गए। ओके कोई शायद कोई दूसरा मिशन भी है अभी। He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. Okay. He'll block any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick. Okay. Follow them to the lockup. Someone on the ground collects the car. ओ तो हमें फिर से जो है कार क्लट करनी है। ओके तो शायद ट्रेवर जो चॉपर में रहने वाला है और फ्रैंकलिन ग्राउंड में। ओके तो यार ये दोनों बंदे तो निकल रहे हैं भाई, और ट्रेवर फ्रैंकलिन भी जो निकल चुके हैं। सो अभी जो हमने फिर से कपड़े चेंज कर लिए हैं अभी, और आई थिंक जो है ये मिशन हो चुका है अपना कंप्लीट। तो देख सकते हो ये मिशन हो गया कंप्लीट, और यही आज की वीडियो जो है यही हम खत्म करते हैं। हम लोग बाकी मिशंस नेक्स्ट चैप्टर में जो अपना कंप्लीट कर लेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।